डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ इकोनॉमिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिमांड, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और जब हम लोग डिमांड और सप्लाई के कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो इस बात को ध्यान रखना, ये पूरी इकोनॉमिक्स का बेस है। इसको समझोगे तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। जब आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए जिसके अंदर जो जो बातें मैं बता रहा हूँ वो सारी आप नोट करेंगे। दूसरी बात, मेरी क्लास को बहुत ईमानदारी से सुनना है, बिल्कुल भी गद्दारी नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि वीडियो चल रहा है इधर तो ध्यान हो गया, ठीक है। आप अगर मेरी क्लास को ध्यान से सुन लेंगे इसके बाद आपको कहीं से भी इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे सारे के सारे क्वेश्चन आप इसे सोल्व कर पाएंगे बेटा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और टॉपिक का नाम है डिमांड, ठीक है। आप जानते हो डिमांड को हिंदी में क्या कहते हैं? मांग। ये ऐसे वाली मांग नहीं जिसमें सिंदूर डालते हैं, ठीक है, वो मांग अलग होती है। अगर हम लोग बात करते हैं डिमांड की, देखो डिमांड जो वर्ड है उसका यूज हम लोग ना कॉमन लाइफ में भी करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग बैठे हुए धरने पे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, है ना, लोग धरने पे बैठे हुए हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब कुछ अलग है। तो डिमांड का मीनिंग समझने से पहले मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं, इफेक्टिव डिमांड का मीनिंग क्या है, या क्वेश्चन ये हो सकता है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव डिमांड, किस चीज को इकोनॉमिक्स में डिमांड कहा जाएगा, पहले उसको समझो आप मेरे साथ, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था नोट करते रहना साथ साथ, पहले समझ लो नोट बाद में करना। फिर देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है, इसका नाम है चिल्लू, ठीक है। चिल्लू एक जगह पे जॉब करता है और इसकी सैलरी है 5,000 रुपीज पर मंथ। एक महीने में चिल्लू कितने रुपए कमाता है? 5,000 रुपये कमाता है बेटा। अब बात करते हैं चिल्लू के परिवार की। ये है चिल्लू की वाइफ चिल्ली, फिर इनके हैं बच्चे सोनू मोनू, चंगू मंगू, ठीक है, ये इनके बच्चे। तो ये बेटा है चिल्लू का परिवार, छोटा परिवार, सुखी परिवार, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, चिल्लू की सैलरी कितनी है? 5,000 रुपये महीना। अभी इसको मत पढ़ना ऊपर वाले को, पहले मेरे एग्जाम्पल समझो सिर्फ। चिल्लू की सैलरी है 5,000 रुपये महीना। अब क्या होता है, महीने की पहली तारीख को मान लो 1 मई 2020, इस डेट को चिल्लू घर में सैलरी लेके आता है। और चिल्ली क्या कहती है चिल्लू को कि एजी सुनो, एक ना बहुत बढ़िया मूवी लगी हुई है और हमारे पड़ोस की कई लेडीज देख के आई हैं, आप भी मुझे मूवी दिखा के लाओ, ठीक है। अब चिल्लू कहता है ठीक है जी, मूवी देखने चल पड़ेंगे, लेकिन साथ में क्या है, ये वानर सेना भी साथ में जाएगी। अब दो लोग हैं चिल्लू और चिल्ली, और 8 लोग हो गए, ये 10 लोग हो गए। अगर मान लो 100 रुपये की भी टिकट है तो 1,000 रुपये तो टिकट का खर्चा। फिर सोनू मोनू चंगू मंगू ये क्या बोलेंगे, पापा पापा पॉपकॉर्न खिला दो। अगर मान लो इन्होंने पॉपकॉर्न लिया और 300 रुपये पॉपकॉर्न पे खर्च हो गया तो 1,300 रुपीज इनके खर्च हो जाएंगे, ठीक है। सैलरी कितनी है चिल्लू की? 5,000 पर मंथ। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, अब इकोनॉमिक्स को भूल जाओ, मैं जनरल एक सलाह मांग रहा हूं आपसे, क्या इन लोगों को मूवी के लिए जाना चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा, हाँ या ना, यस और नो? तो आपको लगता होगा, आप बोलोगे नहीं नहीं सर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 5,000 रुपये तो बेचारा वैसे कमाता है पूरे महीने के, उसमें से 1,300 1,300 रुपये खर्च कर देगा अगर मूवी पे, तो जो उसकी बेसिक नीड है वो भी पूरी नहीं हो पाएंगी, है ना। तो इस केस में क्या हम बोलेंगे कि चिल्लू मूवी की डिमांड कर रहा है? नहीं। देखो
इफेक्टिव डिमांड कब बनती है बेटा? सबसे पहले होना चाहिए डिजायर फॉर ए स्पेसिफिक कॉमोडिटी, कि आप किसी चीज को परचेज करना चाहते हो तो उसे क्या कहेंगे? डिजायर। ठीक है, दूसरी बात मींस। मींस का हिंदी मीनिंग होता है साधन, रिसोर्सिस, या आप सिंपल सिंपल बोल लो मनी, कि हमारे पास क्या होने चाहिए? मनी होने चाहिए, परचेजिंग पावर होनी चाहिए किसी चीज को परचेज करने की। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मैं एक बाइक परचेज करना चाहता हूं और बाइक का प्राइस है 15 लाख रुपए। हार्डली डेविडसन की बाइक आती है 15 लाख रुपए की बाइक। मेरी बड़ी दिली इच्छा है, मेरा डिजायर है मेरे पास कि मैं वो बाइक लेके आऊं। ठीक है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अब आप बोलोगे सर क्यों मजाक कर रहे हो, आप तो हजारों बच्चे पढ़ाते हो, क्या आपके पास 15 लाख रुपए नहीं होंगे? चलो मान लेते कि मेरे पास 15 लाख रुपए भी हैं। दो चीजें पूरी हो रही हैं, डिजायर भी है कि मैं चाहता हूं मैं बाइक लेके आऊं और मेरे पास पैसे भी हैं। लेकिन तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विलिंगनेस, तैयार होना, मैं उस पैसे को खर्च करने के लिए तैयार नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं बनिया हूं, मुझे लग रहा है कि 15 लाख रुपए तो अगर मैं कहीं ब्याज पे दे दूंगा तो मैं उससे ब्याज कमाऊंगा, क्या करूंगा मैं बाइक लाके, इससे बढ़िया तो मैं 50,000 की बाइक ले आता हूँ, वैसे उस पे चलूंगा, वैसे उस पे चलूंगा, है ना? तो विलिंगनेस नहीं है। तो जब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स में डिमांड की, तो डिमांड कब बनती है? जब तीनों बातें प्रेजेंट हो, डिजायर भी होनी चाहिए, मनी भी होनी चाहिए, और आप उस मनी को खर्च करने के लिए रेडी भी हैं। अगर तीनों में से एक भी बात एब्सेंट होगी तो डिमांड इफेक्टिव नहीं होगी। तो आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव डिमांड। ए बी सी में तो क्या लिखा होगा, डिजायर, रिसोर्सिस एंड विलिंगनेस, और डी होगा ऑल ऑफ द अबव। तो क्या टिक करोगे बताओ बेटा? ऑल ऑफ द अबव। तो ये एक ही क्वेश्चन बनता है, इसके ऊपर और कोई क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। समझ में आ गया आपको कि जब तक तीनों बातें प्रेजेंट नहीं है तब तक डिमांड इफेक्टिव नहीं हो सकती है। जब तक डिजायर नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है रिसोर्स है तो विलिंगनेस नहीं होगी, रिसोर्स नहीं है डिजायर है तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि पैसे नहीं है तो खर्च कहां से करोगे, विलिंगनेस है कि खर्च मैं कर दूंगा लेकिन पैसे नहीं तो खर्च कहां से करोगे। समझ पा रहे हो, तीनों बातें जब तक प्रेजेंट नहीं है तब तक डिमांड इफेक्टिव नहीं हो सकती। समझ गए? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ डिमांड, डिमांड का मीनिंग क्या है? अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे, हमने अभी डिमांड का मीनिंग नहीं पढ़ा, अभी हमने क्या पढ़ा, डिमांड बनने के लिए किन किन बातों का होना जरूरी है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि डिमांड होती क्या है, कहते किसे हैं डिमांड। मान लीजिए ये एक पर्सन है टिल्लू, हमने टिल्लू से पूछा कि भाई आप एक महीने में इन ए टाइम ऑफ वन मंथ कितनी आइसक्रीम खा जाते हो या डिमांड करते हो या परचेज करते हो, तो टिल्लू का रिप्लाई आया सर ये तो डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर, ये अगर प्राइस 1 है तो मैं 10 परचेज कर लेता हूं, 8, 6, 4, 2। देखो मैंने बड़ी सिंपल सी बात लिखी है, इकोनॉमिक्स को भूल जाओ, जनरल बात देखो, अगर प्राइस बढ़ता है किसी चीज का तो डिमांड कम हो जाती है ना, ऐसा ही होता है कि नहीं होता? जब प्राइस बढ़ेगा तो आप डिमांड कम कर दोगे और प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा कर दोगे, ये बात तो मानते हो ना? बस मैंने उसी को देखते हुए कुछ फिगर्स लिखी है, आप चाहो तो उसको चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यही वाला लर्न करना है, ये तो बस मैं बता रहा हूं कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हमने टिल्लू से क्या पूछा कि भाई टिल्लू ये बता कि एक महीने में कितनी आइसक्रीम परचेज करता है, तो उसने बोला सर जब प्राइस 1 होगा तो मैं 10 करूंगा, 2 है तो 8 करूंगा, 3 है तो 6 करूंगा, 4 है तो 4 करूंगा, 5 है तो 2 करूंगा। समझ पा रहे हो? तो यहां देखो क्या लिखा है, डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज। अब डिफरेंट क्वांटिटीज कौन सी हैं? बताओ डिफरेंट क्वांटिटीज ये हैं 10, 8, 6, 4, 2, ये हैं हमारे डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कॉमोडिटी। कहां है कॉमोडिटी? ये है बेटा आइसक्रीम, विच ए कंज्यूमर, या आप इसको लिख सकते विच ए बायर। बताओ बायर कौन है? ये टिल्लू।
रेडी टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस. डिफरेंट प्राइस कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5 इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड. बताओ कौन सा है पर्टिकुलर टाइम पीरियड? सर ये रहा 1 महीना. हाँ बिल्कुल यही तो बात थी. तो किसी बंदे से जब हम लोग पूछेंगे कि डिफरेंट प्राइसेस पे वो कितनी क्वांटिटी परचेज करने के लिए तैयार है किसी चीज की एक पर्टिकुलर टाइम में, उसी को हम लोग डिमांड कहते हैं. वेरी सिंपल. तो इसको आप लर्न करो और साथ साथ में नोट कर लो. डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कॉमोडिटी विच ए बायर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड. ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन ये आ गया. अब एक क्वेश्चन क्या आ सकता है? आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी और पूछेगा क्या ये स्टेटमेंट डिमांड है या नहीं है. जैसे मान लीजिए मैं आपको एक स्टेटमेंट बोल के बताता हूं. मैंने बोला मैं 1 महीने में 20 केजी आलू परचेज करने के लिए तैयार हूं या मैं करता हूं. ठीक है, मैंने क्या बोला? मैं 1 महीने में 20 केजी आलू परचेज करता हूं या करने के लिए तैयार हूं, क्या ये डिमांड है? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने प्राइस की बात नहीं की है. मेरी स्टेटमेंट में कहीं भी प्राइस का जिक्र नहीं आ रहा. तो एक आपको प्राइस चेक करना है, दूसरा आपको क्वांटिटी चेक करनी है और तीसरा आपको टाइम पीरियड चेक करना है. जिस स्टेटमेंट में ये तीनों बातें गिवन होंगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिमांड बोलेंगे. उसी को क्या बोलेंगे? डिमांड बोलेंगे. मान लो एक स्टेटमेंट लिखी है जिसमें प्राइस गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, टाइम गिवन नहीं है. जैसे मैं ये कह दूं कि जब आलू का प्राइस 5 रुपये पर केजी है तो मैं 10 केजी परचेज करूंगा. ठीक है, तो लेकिन मैंने क्या नहीं बताया उसमें? टाइम नहीं बताया. तो आपको ध्यान रखना है जब स्टेटमेंट गिवन होंगी तो तीनों बातें उसमें क्या होनी चाहिए? प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? डिमांड बोलेंगे. तो दो क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, मीनिंग ऑफ डिमांड और एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जिसमें स्टेटमेंट गिवन होगी आपको चेक करना होगा कि डिमांड है कि नहीं. क्लियर? तो आप इसको एक बार नोट कर लो और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे. पहले नोट कर लो बेटा इसको. नोट कर लिया बेटा? चलिए फिर हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. ये आपको समझ आ गया होगा? आप इसको समझ पा रहे हैं तो साथ साथ एक काम कर सकते हो. क्या काम करोगे बताओ? ये मेरा नंबर है 9729070795. इस पे व्हाट्सएप करके बता सकते हो कि हाँ सर मुझे समझ आ रहा है. चलिएगा बेटा सुनो. मीनिंग ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड. अब ये वैसा ही कंसेप्ट है, थोड़ा सा चेंज करूंगा बस इसको. बिल्कुल थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर, ध्यान से समझो. लो जी ये वही हमारे टिल्लू भाई साहब. अब टिल्लू भाई साहब से वही पूछ रहा हूं कि भैया ये बताओ 1 महीने में कितनी आइसक्रीम परचेज करने के लिए तैयार हो. तो ये क्या पूछेगा? सर प्राइस बताओ. मैंने बोला प्राइस है 3, इसने बोला क्वांटिटी है 10. वो उस वाले एग्जांपल से अलग क्वांटिटी ली है मैंने, सेम होना जरूरी नहीं है. अब बोलोगे सर आपने पहले जब डिमांड पढ़ाया था उसमें तो आपने कई सारे प्राइस बताए थे, डिफरेंट प्राइस बताए और उसने डिफरेंट क्वांटिटी बताई थी. यहां आपने प्राइस एक बताया और क्वांटिटी भी एक बताई, बस यही तो डिफरेंस है. और क्या डिफरेंस है? देखो क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू ए पर्टिकुलर क्वांटिटी, एक ही क्वांटिटी होगी ऑफ ए कॉमोडिटी, वही आइसक्रीम, कंज्यूमर वही टिल्लू, रेडी टू बाय पर्टिकुलर प्राइस, प्राइस भी क्या है? एक है और पर्टिकुलर टाइम पीरियड वही पर्टिकुलर टाइम पीरियड है. समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो आपको डिमांड में और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फर्क समझ में आया बताओ. सर जब हम लोग डिमांड पढ़ते हैं तो डिमांड में हम लोग डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी चेक करते हैं और जब हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर क्वांटिटी. डिमांड में क्या बताया मैंने?
different prices और different quantity. बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख रहा हूं बेटा. और क्वांटिटी डिमांडेड क्या बताया था? पर्टिकुलर प्राइस, पर्टिकुलर क्वांटिटी. देखी है आपने कभी इतनी सुंदर राइटिंग किसी की? बिल्कुल भी नहीं देखी होगी. तो बताओ क्या तुम्हें यह कंसेप्ट समझ आया, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड. डिमांड क्या बताया कि एक बायर डिफरेंट क्वांटिटीज परचेज करने के लिए तैयार है डिफरेंट प्राइसेस पे पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. और क्वांटिटी डिमांडेड क्या बताया कि क्वांटिटी भी पर्टिकुलर है और प्राइस भी पर्टिकुलर है. जब एक प्राइस पे एक ही क्वांटिटी को चेक करेंगे तो उसे क्वांटिटी डिमांडेड बोला जाता है, और जब डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी चेक करेंगे तो बताओ क्या बोलेंगे? बताओ बताओ जल्दी बताओ क्या बोलेंगे? डिमांड बोलेंगे. बहुत बढ़िया, शाबाश. बस ऐसे ही पढ़ते रहो बेटा, आग लगा देंगे दुनिया को. देखिए जाओ, अब आता है, देखिए डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर स्टॉक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट, और आगे लगा है बड़ा सारा क्वेश्चन मार्क. तो यानी कि ये आपके लिए क्वेश्चन है. आप बताओ मेरे को कि डिमांड स्टॉक कंसेप्ट है कि फ्लो कंसेप्ट है, क्वांटिटी डिमांडेड स्टॉक कंसेप्ट है कि फ्लो कंसेप्ट है. अब आप बोलो सर क्यों मजाक कर रहे हो, हमें तो अभी तक यही नहीं पता स्टॉक और फ्लो क्या होता है. स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है और फ्लो कंसेप्ट क्या होता है, हमें तो यही नहीं पता. तो सुन लो बेटा फिर क्या होता है. सुनो, स्टॉक कंसेप्ट क्या होते हैं, जब आप पढ़ते हो इकोनॉमिक्स तो कुछ कंसेप्ट होंगे स्टॉक कंसेप्ट, कुछ कंसेप्ट होंगे फ्लो कंसेप्ट, कुछ ऐसे भी होंगे जो स्टॉक भी नहीं है फ्लो भी नहीं है. ठीक है. अब स्टॉक कंसेप्ट वो होते हैं जिन्हें पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जा सकता है, और फ्लो कंसेप्ट कौन से होते हैं, जिन्हें पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है. सर कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी आएगा. एक एग्जांपल पूछता हूँ. अगर मैं आपको बोलूं अभी मान लो टाइम हुआ है 12:15, इस टाइम पे मेरा बैंक बैलेंस कितना होगा, क्या मैं ये चेक कर सकता हूं? हाँ जी, मेरे पास मोबाइल एप्लीकेशन है, मैंने ये मेरा मोबाइल निकाला और मैंने इसके ऊपर नेट बैंकिंग ऑन किया और मैंने चेक किया. अभी चेक करके बताता हूँ. लो जी ये ओपन हो गया, यहाँ पे दिखा रहा है ₹12, 12 रुपए बैलेंस है जी आपके अकाउंट में. तो ये मैंने पॉइंट ऑफ टाइम पे बताया ना, 12:15 पे मेरे पास 12 रुपए का बैलेंस है. तो ये क्या है, ये है स्टॉक कंसेप्ट. ठीक है. फ्लो कंसेप्ट कौन से होते हैं, जिन्हें पीरियड ऑफ टाइम में पढ़ा जाता है. एक एग्जांपल बताता हूं, मान लो सेल. अब आप बेटा सेल कैसे बताते हो, बताओ सेल कैसे बताओगे? ऐसे बताओगे कि 12:15 पे हम इतने सेल करते हैं, या ऐसे बताओगे सर हमने एक दिन में इतना सेल किया, एक महीने में इतना सेल किया, एक साल में इतना सेल किया, 10 साल में इतना सेल किया, 10 मिनट में इतना सेल किया. तो टाइम पीरियड आ रहा है ना सेल के कंसेप्ट में, तो ये फ्लो कंसेप्ट हो गया. फर्क समझ में आया दोनों में? नहीं आया. स्टॉक कंसेप्ट फ्लो कंसेप्ट क्या डिफरेंस है? स्टॉक को पढ़ेंगे कैसे पॉइंट ऑफ टाइम पे, फ्लो को पढ़ेंगे कैसे पीरियड ऑफ टाइम में. चलो मैं आपको 2-3 एग्जांपल पूछता हूं, आप मुझे बताओ, मैं देखता हूं आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा. मैंने लिखा वॉटर इन ए वॉटर टैंक, एक पानी के टैंक में. मान लो मेरे घर में जो पानी की टंकी है ना उसमें कितना पानी है, ये मुझे पता लगाना है. ठीक है, बताइए स्टॉक कंसेप्ट है कि फ्लो कंसेप्ट है? बिल्कुल स्टॉक कंसेप्ट है. क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं बता सकता हूं कि अभी कितना पानी है. अगर मान लो मैं आपसे पूछूं एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट समझते हो ना, फॉरेन में कितनी चीजें बेची हमने, बताइए क्या है, स्टॉक है कि फ्लो है? फ्लो है. क्यों? क्योंकि कैसे बताओगे एक्सपोर्ट, ऐसे बताओगे ना इंडिया ने एक साल में इतना एक्सपोर्ट किया, 6 महीने में इतना एक्सपोर्ट किया, ये ऐसे बताओगे 12:15 पे इंडिया इतना एक्सपोर्ट करता है? तो आप टाइम पीरियड में बताओगे, है ना. अब एक काम करो, मैं आपको
चीजें, अच्छा आप एक काम करो, मैं नहीं लिख रहा, तीन एग्जाम्पल स्टोक के तीन एग्जाम्पल फ्लो के, ये लिखोगे और मेरा नंबर 9729070795 इस पे अभी व्हाट्सएप करोगे। क्या क्या बताना है? तीन एग्जाम्पल स्टोक के, तीन एग्जाम्पल फ्लो के, और साथ में बेटा अपना नाम भी बताना ताकि मुझे पता लगे कि किस बच्चे ने रिप्लाई किया है। ठीक है, कर दोगे इतना काम? पक्की बात है, प्रोमिस। चलो मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसे नोट कर लेना अच्छे से, वीडियो को बैक कर करके सब अच्छे से नोट कर लेना।